नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। राज्य कौशल प्रतियोगिता 2018 के विजेता सम्मानित। हरियाणा कौशल विकास मिशन के प्रयासों से हरियाणा के 15 प्रतिभागियों ने विश्व स्तरीय स्थान बनाया है। यह 15 प्रतिभागी कुशल प्रतिभागी आगामी वर्ष रूस के कजान में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह जानकारी हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को पंचकुला में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के भवन में राज्य कौशल प्रतियोगिता 2018 के 23 विजेताओं को सम्मानित करते हुए दी। बुधवार को पंचकुला में स्थित कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के भवन में राज्य कौशल प्रतियोगिता 2018 के 23 विजेताओं को लिए सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य रूप से शिरकत की। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सतत प्रयासों से ही हरियाणा में पहली बार इस प्रतियोगिता में लोगों ने भाग लिया है और पहली बार ही देश में हुई कौशल प्रतियोगिता में हरियाणा ने महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा में जल्द ही 22 ITI को मॉडल ITI बनाया जाएगा। मॉडल ITI के छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपनी सेवाएं देंगे। इसके लिए हरियाणा कौशल विकास विभाग जर्मनी व सिंगापुर जैसे देशों का सहयोग लेगा। यह बहुत ही हर्ष की बात है कि इस वर्ष पलवल ITI के 15 छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी प्राप्त हुई है। अपर्चुनिटीज में हरियाणा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर है। मानव रचना यूनिवर्सिटी के अंदर लगने जा रहा है, जिसमें 100 से ज़्यादा कंपनियां होंगी और 14,300 जॉब्स वो लेकर आ रहे हैं। जितने भी बच्चे वहां पर उनके अनुसार मिल पाएंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे। मैं समझता हूं कि संख्या हज़ारों में होगी, 10,000 से भी ज़्यादा वहां पर संख्या रहने की उम्मीद है कि जो सेलेक्ट होकर वहां पर चयनित करेंगे, चुनकर जाएंगे। जो स्किल गैप स्टडी के अंदर कि आज देश के अंदर हरियाणा के अंदर किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस तरीके के कोर्सेज हम बच्चों को कराने चाहिए, क्योंकि 2013 के अंदर स्किल गैप स्टडी होती है और रोज़ निरंतर ये बिज़नेस का परिवेश और नए नए टेक्नोलॉजी रोज़ बदलती है, तो किस तरीके के कोर्सेज से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके, उसके लिए स्किल गैप स्टडी की बात की है। स्किल गैप स्टडी कराकर उन कोर्सेज को ITIs के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इस साल का हमारा टारगेट 22 मॉडल ITIs बनाने का है कि 31 मार्च तक 22 मॉडल ITIs बनकर तैयार। प्लेसमेंट का टारगेट, चाहे पिछले साल की बात हो, हमने हर ITI के अंदर एवरी 3 मंथ्स के अंदर जॉब फेयर लगाकर लगभग 50,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया, और इस साल भी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस टारगेट को हम बढ़ाएं और रेगुलर जॉब फेयर्स लगा कर, चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हों, चाहे ITI स्तर पर हों, चाहे ग्राम वाइज हो, इस तरीके के हम जॉब फेयर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिलाने। ITI के अंदर स्टाफ की कमी के लिए अभी पीछे भी हमने जनवरी के अंदर कुछ भर्ती की थी और आगे भी ये प्रक्रिया को और तेज़ करके जल्दी जो ITI के अंदर जो कमी है, इंस्ट्रक्टर्स की कमी है या और दूसरे लोगों की कमी है, उनको जल्दी पूरा कर देगा। जब ITIs मॉडल ITIs हो जाएंगे, उनकी कोर्सेज की बात है, उसमें उनको सुविधा देने की बात है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या उन कोर्सेज को सिखाने की बात है, तो सिंगापुर और जर्मनी की तर्ज पर जिस तरह वहाँ पर लोगों को स्किल करने का काम है, उनसे हम लोग कोलैबोरेशन करके उस तरीके से लोगों को दक्ष करने का काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार दक्ष हो सकें और वो पूरे विश्व के अंदर नौकरी प्राप्त कर सकें। 15 बच्चे पलवल ITI से इंटरनेशनली उनका चयन हुआ है और मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट की किसी कंपनी ने उन लोगों को चयन किया। पिछले काफ़ी दिनों से जो वाटर लेवल है रेगुलर नीचे गिरता जा रहा है और जो सैकड़ों ट्यूबवेल्स हैं अभी भी इस बार भी काम करना बंद करके, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो रेनी वैली योजना थी उसमें 110 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सारे एरियाज को जहां पर पानी 2800-3000 TDS का पानी आता था उसको रेनीवेल का पानी देने का काम किया, तो इसी सरकार ने किया है, पिछले 1-2 सालों के अंदर किया गया। और रही उसकी बात, तो एक बहुत बड़ी मुहिम जो पानी माफिया वहाँ पर चलता था उसके खिलाफ फरीदाबाद के अंदर चलाई गई, जितने भी कमर्शियल यूज़ कर रहे थे ट्यूबवेल और पानी को बेचने का काम दिल्ली या इंडस्ट्री में यूज़ करने का काम कर रहे थे, उनको रोकने का काम किया। तो इसलिए एक मोमेंट्री फेस है किसी भी काम को, जब एक परमानेंट सोल्यूशन जिसकी ओर बढ़ा जाता है तो कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये अब उस पर कंट्रोल पा लिया गया है और अगले 10-5 दिनों के अंदर कोई भी किसी तरीके की समस्या पानी की ना पहले थी ना रहेगी। लेकिन हाँ, जो पानी का व्यापार करते थे, पानी का माफिया चलाते थे, उन पर हमने ज़रूर सख्ती करने का काम।